ये क्या कर रहे हैं? हमको जाना है और आपको रोमांस सूझ रहा है। लिपस्टिक लगाए नहीं कि आपके कलेजा पर सांप लौटने लगता है। ये लीजिए, अभी घोंगा जैसा मुंह काहे बना रहे हैं? जाइए, तैयारी होइए, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है हमको। क्या हुआ, पगला गए हैं का? तुम भी हमको उसी नजरों से देखती हो ना, एक बेरोजगार बेचारा निकम्मा। ऐसा कोनो बात नहीं है, आप जबरदस्ती अपना बात हमारे मुंह में मत ठोसिए। देखो, अगर ऊंची नीच का भावना मन में लाई ना, तो सब छोड़ देंगे। तो छोड़ दीजिए ना, सुना किसको रहे हैं? अब ये छोड़ देंगे तो जाइए, गौर नहीं दिया काम को भगवान जी, पैदल चले जाएंगे हम। तो ठीक है, आना पैदल, टिकड़िम टिकड़िम करते हैं। हम पर चप्पल फेंकी? आप पे फेंकते तो लग जाता, उधर नहीं गिरता। छोड़ के चले आए बड़काना, गाड़ी इनका मस्ती के लिए लिए, यही यहाँ हवा खाएंगे और हम पैदल धूल फाकेंगे। आज तक एगो कान का बूंदी तक नहीं लाके दिए और हम इनको अपना कमाई से गाड़ी लाके दे दिए और अब हम ही को छोड़ के चले आए। पहले चप्पल बनवा दीजिएगा, हमारा फेवरेट चप्पल है। उठिए, क्या हुआ? सर में दर्द है। दबा दे। नहीं। बाम लगा दे। बदन दबा दे। बोला ना, नहीं। मतलब नाटक कर रहे। चलिए उठिए, रोटी बनाइए। देखो, खुद काम कर लो। बैल है का? दिन भर बैंकों में खटे और यहाँ घर पे गधा भी बने। देखिए, हम भूखे चले जाएंगे बता रहे हैं। भूख हमको बर्दाश्त नहीं होता है, जानते हैं ना आप। बीपी लो हो जाता है, होमोग्लोबिन लो हो जाता है हमारा। चक्कर आके गिर जाएंगे तो? यही चाहते हैं ना आप, गिर गिरा के कहीं मर जाए। ठीक है, ऐसे का बैठे हुए हैं? पहुंचाने चलिएगा कि हम खुदे चला के चले जाएं? जाओ चला के। आता चलाने तो चलिए जाते। सीख लो। तो तूल पर कदुआ रोपे, स्कूटी लेते तो सीख ही लेते। अपना मनमानी चलाए और ये मोटरसाइकिल लिए, ताकि हर रोज आपके सामने गिर गिराए। पति देव जी, ऑफिस के लिए छोड़ दीजिए। आप कसम खाए तो हम भी कसम खाते हैं, एक महीना में मोटरसाइकिल सीख के दिखाएंगे। और न सीखे तो असल बाप की बेटी नहीं। शाम को बैंक से कैसे आई थी? आपसे मतलब? आप लेने ही नहीं आए तो काहे पूछ रहे? आप पूछने का हक खो दिए। ज्यादा फिलोसफी मत झाड़। मैनेजर सर छोड़ दिए। अच्छा, एक दिन पैदल चल लेती तो क्या पैर घिस जाता तुम्हारा? पैदल ही आ रहे थे, लेकिन मैनेजर सर पूछे कि छोड़ दें तो हम उनको मना नहीं कर पाए। अच्छा, आप किसी और चीज के लिए बोलेंगे तो मना नहीं करोगी ना? ज्यादा अल बल मत बोलिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अब गांव के लोगों के दिमाग में गोबर भरा है तो हम क्या करें? ऐसे क्या देख रहे, मारेंगे क्या हमको? कहे मारने का अधिकार खाली मर्दों का है का? हाँ हाँ, अगर पत्नी बदचलन हो ना तो जान से मारने का अधिकार है। ठीक कहते थे गांव के लोग, वो भी दिन आ गया। तमाशा लगाने आए हैं। तमाशा तुम बना दियो मेरी जिंदगी का। खत्म आदमी है का आप? तलाक का कागज लेकर आ गए हैं? 10 साल हमारा शादी को हो गया है, एक तो 5 साल का बच्चा है और अब तलाकनामा लेकर आ गए हैं। पगला गए हैं का? और जितना आसानी से पेपर लाए हैं ना, उतना आसानी से हमारा जवानी लौटाइए, हमारा कुंवारापन लौटाइए और हमारा 10 साल लौटाइए। और जो 10 साल में 2 बार बच्चा गिरा ना आपकी बेवकूफ़ी के कारण, जो जो हम दर्द सहे हैं वो सब का हिसाब चाहिए हमको। हमको अपना हर पीड़ा हर दर्द का मुआवजा चाहिए। तलाक का कागज लेकर आए हैं। सुनिए, आप लोग भी सुनिए, आइए सुनिए सुनिए। देखिए, ये हमारे पति हैं, भकलोल पति। देखिए देखिए, आप लोग भी देखिए, आइए आइए, बताइए, सबको बताइए, कहाँ लिखवाए इस तलाक के कागज पे? किस ग्राउंड पर, किस ग्राउंड पर हमको ये तलाक दे रहे हैं बताइए, कहाँ लिखवाए वकील से? यही कि हमारी बीवी पागल है, बदचलन है, दूसरे मर्द के साथ मुंह मारने चलती है। बोलिए का लिखवाए, सबको बताइए। आज फाड़ का है दिए। जानते हैं, गांव का आदमी, यहां तक कि हमारे बाऊजी सब हमको बोला कि तुम्हारा होने वाला दूल्हा भकलोल है, लेकिन हम आपको भकलोल नहीं समझे थे। जानते हैं काहे? काहे कि हमको ये भकलोल इंसान के पीछे एक सच्चा इंसान दिखा और इसीलिए हम ब्याह किए। और आपका किए, तलाक का कागज लेकर आए आप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब लइवे किए थे तो फाड़ काहे लदिए? चलिए फाड़ ही दिए तो बनवाइए तो दूसरा कागज। चलिए हटिए, उतरिए उतरिए, चलते हैं वकील से दूसरा कागज बनवाते हैं। हटिए,
भकलों जैसा खड़ा कैसे है, चले बैठिए।